जो ऑनरेबल कोर्ट ने हमें डायरेक्शंस दी हैं कि ये जो 40,000 जो चालान है इनका डिस्पोजल जल्द से जल्द करने की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास जो ये लिस्ट आया, हमने इसको एनालाइज़ किया, तो इसमें जो हमने देखा कि ये जो 40,000 जो चालान हैं ये 7,367 गाड़ियों के अगेंस्ट एग्जीक्यूट हुए हैं। तो इनका जब हमने डेटा देखा तो अगेंस्ट जो है बहुत सारी गाड़ियाँ जिनके अगेंस्ट मल्टीपल चालान हुए हैं। तो ये जो ऑर्डर जो इशू हुआ था तो इसी को हमने पब्लिसाइज किया है विद अ रिक्वेस्ट टू पीपल कि ये जो लिस्ट है अगर आप इसको देखें और अगर आपको इसमें दिखता है कि आपकी गाड़ी का नंबर है और गाड़ी के गाड़ी नंबर के साथ साथ में वहाँ पे जो नंबर ऑफ पेंडिंग चालान है वो बाज़ाब्ता वहाँ पे मेंशनड है, तो इसमें 9 तारीख तक या 9 तारीख से पहले पहले जो ऑनरेबल कोर्ट ऑफ मोबाइल मैजिस्ट्रेट है वहाँ पे जाके इनका डिस्पोजल आपने जल्द से जल्द जाके करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे इसमें आपके अगेंस्ट जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है, गाड़ी इंपाउंड हो सकती है, गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन या ये कैंसिल भी हो सकती है या सस्पेंड हो सकती है। तो इससे बचने के लिए बेहतर है कि ये जो अगर आपकी गाड़ी के अगेंस्ट कोई चालान पेंडिंग है वो जल्द से जल्द जाके इसका डिस्पोजल कराएं, ये सबकी बेहतरी के लिए है। सर इसमें डेडलाइन क्या दी गई है? ये 9 तारीख तक इसका जो है स्पेसिफिक जो ऑनरेबल कोर्ट ने टाइमलाइन दिया है कि 9th of August तब तक इनका डिस्पोजल होना चाहिए। क्योंकि मल्टीपल चालान एक पर्टिकुलर गाड़ी के अगेंस्ट है तो ये 40,000 गाड़ियों के अगेंस्ट नहीं एग्जीक्यूट हुआ है, ये अभी 7,000 से ज़्यादा गाड़ियों के अगेंस्ट ही हुआ है। और इसमें जो बेस लाइन अभी इसमें रखी गई है वो 5 चालान और 5 चालान से ज़्यादा जिन गाड़ियों के अगेंस्ट हुआ है, तो ये लिस्ट कंप्राइज कर रहा है उन्हीं गाड़ियों के जिनका 5 और 5 से ज़्यादा चालान एग्जीक्यूट हुआ है। सर हम देखें कि जब से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर यहाँ श्रीनगर में काम हुआ, काफ़ी कहीं जगहों पे हमने देखा कि ट्रैफिक डाइवर्जेंस पे आए रोज़ बदलते हुए देखा, मिसमैनेजमेंट भी ट्रैफिक को देखा, ओवरऑल क्या कुछ इनिशिएटिव्स स्टेप्स लिए गए हैं ट्रैफिक को स्मूथ बनाने के लिए? देखें अगर आपने एक पर्टिकुलर चीज़ देखनी है कि जो स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है पूरे शहर में ना मल्टीपल जगहों पर हो रहा है, जब भी सड़क खुलती है या कहीं पे इम्प्रूवमेंट होता है जंक्शन का तो ट्रैफिक का जो चल रहा है वहाँ से उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस लेवल का जो है काम श्रीनगर सिटी में आज तक कभी हुआ नहीं है, तो इसकी वजह से जब एग्जीक्यूशन हो रही थी तो प्रॉब्लम्स हुई और अच्छी खासी हुई, बट वी ऑलवेज ट्राई टू मैनेज इट वेल टू द बेस्ट ऑफ अवर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। अभी देखें आप कि बहुत सारी जगहों पे अभी भी काम चल रहा है, तो उसकी वजह से हमें टेम्प्रेरी डाइवर्जन कहीं पे या हमें कहीं पे रोक के ट्रैफिक को कहीं और से चला रहे हैं, तो ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है। आप देखेंगे एक बार ये जो स्मार्ट सिटी का जो काम है सारा एग्जीक्यूट होगा उसके बाद जो नॉर्मल फ्लो है ट्रैफिक का वो अच्छा खासा रहेगा, लेकिन तब तक थोड़ी सी पेशेंस रखनी है क्योंकि इस लेवल का जो है काम आज तक श्रीनगर सिटी में कभी हुआ नहीं है और ये ओवरऑल जो काम हो रहा है ये लोगों की बेहतरी के लिए है। तो मेरी गुजारिश रहेगी लोगों से कि अभी तक अच्छा खासा कोऑपरेशन हमें मिला लोगों से, कुछ देर और आपको कोऑपरेट करना है, थोड़ी सी पेशेंस रखनी है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। 15 अगस्त आने वाला है, क्या कोई ट्रैफिक प्लान मुरतब दिया जाएगा या इस हवाले से क्या कुछ तैयारियां हैं? देखें 15 अगस्त का बाज़ाब्ता एक ट्रैफिक प्लान जो है एग्जीक्यूट होगा, हम मोस्ट प्रोबब्ली उसमें एडवाइजरी भी निकालेंगे, तो अभी टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन बाज़ाब्ता होगा और कोशिश रहेगी कि अच्छी तरह से रेगुलेशन जो है उस दिन रहेगी। Anything you want to share with our audiences, viewers who are watching us from different देखिए मेरी गुजारिश रहेगी वेरी स्पेसिफिकली आज की डेट में ये जो ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑर्डर इशू किया है इसमें जो पेंडेंसी दिखाई गई है अगेंस्ट वायलेटर्स जो चालान पे नहीं हुए हैं, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द जाके ये जो पेंडेंसीज हैं आपकी गाड़ियों के अगेंस्ट वो जल्द से जल्द उसको ख़त्म करवाएं कोर्ट जाके ताकि कल को आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। मेरा सवाल स्टंट बाइकर्स को लेकर है क्योंकि श्रीनगर में कंट्रोल हो गया है कम्प्लीटली, अब हम उन स्टंट बाइकर्स को नहीं देखते हैं, बट ये आर विटनेसिंग कि नेशनल हाईवे पे आप स्टंट्स किए जा रहे हैं। देखें मेरी कोशिश रही है कि जो स्टंट करते हैं स्टंट जो भी करता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई हमने की है और करते भी हैं। अगर आज भी आप देखें कि मुझे कल किसी ने एक वीडियो दिखाया जहाँ पे एक लड़की बड़ी तेज़ रफ्तारी से चल रही थी तो स्टंट कर रही थी, तो आई हैव गॉट हर टुडे आल्सो।
ये है कि देखें, हम हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, हर जगह पे हम विजिबल नहीं है। इसमें जब तक लोगों की जो है कोऑपरेशन सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब तक आप नहीं बताएंगे कि फलानी जगह पे ये हो रहा है, तब तक हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मेरी कोशिश बार आ रही है कि जहाँ जहाँ पे भी हो रहा है आइडेंटिफाई हम करें थ्रू सोशल मीडिया, और इनको यहाँ पे बुला के टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो बाज़ाब्ता सीजर होता है, कानूनी कार्रवाई होती है, इनको कॉन्स्टेंटली यहाँ बुला के इनका जो है बाज़ाब्ता काउंसलिंग होती है। नॉट ओनली काउंसलिंग ये जो स्टंट करते हैं, लेकिन इनके पेरेंट्स की भी होती है, ताकि ये बाहर जाके इनको ये आइडिया मिले कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। लेकिन इसमें कोऑपरेशन जो है आई सीक फ्रॉम द जनरल पब्लिक, की जनरल पब्लिक जब तक कोऑपरेट नहीं करेगा तब तक हम पूरी तरह से इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सर, ई रिक्शा के बारे में थोड़ा सा बताएं, उसको कैसे, उस मैकेनिज्म को कैसे स्मूथ किया जा रहा है, और उसका इस वक्त स्टेट्स क्या है शहर में चलने का? देखिए, ई रिक्शाज इंट्रोड्यूस हुए हैं और इनके स्पेसिफिक और डिफाइंड रूट्स हैं। अब ये है, टेंडेंसी रही है काफ़ी दिन से जो देख रहा था मैं कि लाल चौक में सब आ रहे हैं, जबकि इनका जो डिजिग्नेटेड रूट लाल चौक नहीं था, तो इसी पे हमने इनको बोला यहाँ पे नहीं चले, तो उस पे कुछ लोग थे और बेसिकली वो भी काम थे, तो इनके कुछ जो डीलर्स थे ये बेसिकली ऑन देयर बिहेस्ट ये चल रहा था। तो इनकी मेरी यहाँ पे इनकी जो एक बॉडी है उनके साथ बात हुई है, तो देव अश्योर्ड मी कि जो जो डिजिग्नेटेड रूट है वहाँ से चलेंगे, और जो कार्रवाई थी वो स्पेसिफिकली जो नो गो जोन था इनका वहाँ पे हो रही है, बाकी हर जगह पे ये चल रहे हैं, वहाँ पे कोई इशू ऐसा नहीं है। थैंक यू।